Hey guys, Happy New Year! दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बेस्ट टू वर्स्ट सीरीज में लेके आया हूँ लेग्स एक्सरसाइज के बारे में। अब लेग्स में आज हम क्वाड स्पेसिफिक बात करेंगे, जो आगे का थाई का हिस्सा होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लेग्स बहुत बड़ा मसल ग्रुप है। इसमें हैमस्ट्रिंग भी आती है, फिर ग्लूट्स भी आते हैं। तो आज सिर्फ क्वाड्स की बात होगी, बेस्ट टू वर्स्ट एक्सरसाइजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चेकआउट करिए, बाइसेप, बैक, ट्राइसेप, बहुत सारी एक्सरसाइजेस, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस एक्सरसाइज का नाम है ब्रिग्नोले एक्सरसाइज, और इसको मैं रख रहा हूँ सबसे लास्ट में और दिख रहा हूँ सिर्फ 1 star 5 में से। तो भाई, आप लोगों ने जिम में लोगों को ये करते हुए देखा होगा, राइट? ऐसे केबल में लगा लेते हैं रोप या फिर कोई एंगल, ठीक है, और उसके बाद ये करते हैं। अब मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ना, दिस इज़ द लीस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर योर क्वाड डेवलपमेंट और ओवरऑल लेग्स। अब उसका रीज़न ये है, जो ये एंगल में आपको केबल पुल कर रहा है, रेजिस्टेंस ये कर रहा है सामने की ओर, और आप स्क्वाट कर रहे हो नीचे। जब भी हम स्क्वाट करते हैं और ख़ास तौर पर आपके क्वाड्स को डेवलप करने के लिए, तो क्वाड का काम होता है लेग को एक्सटेंड करना, सीधा करना, मुड़े पोजिशन से सीधा करना, ठीक है। अब जब स्क्वाट किया जाता है तो रेजिस्टेंस, ग्रेविटी जो होती है नीचे की ओर होती है, यहाँ पे खींच रहा है सामने की ओर, तो आपको बॉडी खींच रही है आगे और आप बैठ रहे हो नीचे, तो ये बहुत ही कम तरीके से आपकी बॉडी के क्वाड वाले मसल पे हिट करता है, तो इफेक्टिव बहुत कम है। साथ ही साथ आप हैवी जाने की कोशिश करोगे तो मूवमेंट गड़बड़ हो जाएगा। सो इसीलिए इसको मैंने सबसे नीचे रखा हुआ है। आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, बट इट्स दी यू शुड डू इट, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, खासतौर पर लेडीज़। बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हेयर फॉल प्रिवेंशन को लेके। काफ़ी सारे मेल्स को एज बढ़ने के साथ साथ हेयर फॉल होने लगता है, और उसके लिए कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं अपने न्यूट्रिशन में, सप्लीमेंटेशन में। हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ के लिए आप यहाँ पे न्यू हर्ब्स का प्लांट बेस्ड हेयर बायोटिन ले सकते हैं, जिसमें आपको 10,000 MCG बायोटिन मिलता है, और उसके साथ साथ कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके स्कैल्प को नरिश करते हैं और आपके हेयर फॉल को कम करते हैं। बायोटिन एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो प्लांट बेस्ड सोर्स सेस्बेनिया से आपको इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट में मिलता है। ऑल्सो इसके अंदर है ओमेगा 3, जो आ रहा है फ्लैक्स सीड सोर्स से, जो आपके बालों की शाइन और थिकनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो उसको नरिश करके स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर फॉल होने से रोकता है। इसी के साथ इसमें 5 नेचुरल DHT ब्लॉकर हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड, पाइगियम, ग्रीन टी, स्टिंग नेटल एक्सट्रैक्ट, बैम्बू शूट, जो बढ़े हुए DHT हार्मोन लेवल्स, जो कि फॉलिकल्स को श्रिंक करके हेयर फॉल कराते हैं, उन्हें कम करता है। फाइनली इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट हैं, जो सोर्सेज जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर, रोजमेरी, करी लीव्स, जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इट्स 100% प्लांट बेस्ड वीगन फॉर्मूला, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस में। अगर आप इसको अभी परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो हैव अ लुक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है सीसी स्क्वाट्स, जो मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा, और इसको दे रहा हूँ मैं सिर्फ 2 star 5 में से, और 6th नंबर की एक्सरसाइज है नीचे से। तो भाई, सीसी स्क्वाट आपने काफ़ी सारे लोगों को लगाते हुए देखा होगा, ऐसे कहीं पे सपोर्ट ले लेते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से पंजों में आके यूं करते हैं, ठीक है, सीसी स्क्वाट्स। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके क्वाड्स को लगाने के लिए, क्वाड्स को टारगेट करने के लिए, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर कोई इसको नहीं लगा पाएगा। काफ़ी सारे लोगों को नी मोबिलिटी की इशू होती है, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये सबके लिए नहीं है ये एक्सरसाइज, और बहुत ज़्यादा नी पे प्रेशर भी डालता है, तो क्वाड डेवलप करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको सीसी स्क्वाट करने की, लेकिन ये अच्छी एक्सरसाइज है। काफ़ी सारे लोग स्टैंड्स आते हैं, मशीन्स आती हैं, उसमें पैर लॉक करके हाथ में वेट लगा के भी करते हैं। इट कुड बी डेंजरस फॉर द नीज, बिकॉज वो नीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और नी डिसलोकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अच्छी एक्सरसाइज है, बट सबके लिए नहीं है, इसीलिए इसको मैं ये रैंक पे रख रहा हूँ। आपको अगर ट्राई करना है तो आप बॉडी वेट सीसी स्क्वाट्स कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज आती है वो है गॉबलेट स्क्वाट्स एंड इन द केबल मशीन। इसको मैं रख रहा हूँ 5वें रैंक पे और दे रहा हूँ सिर्फ 3 star 5 में से। अब इसका रीज़न है, ठीक है, वैसे ये जो एक्सरसाइज है ना, ये रेंज ऑफ मोशन अच्छा देती है, ये देखिए। ओके, तो जब आप ये परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपके क्वाड्स जो है, फ्रंट स्क्वाट वाली फीलिंग तो आपको पूरी मिल रही है, क्वाड्स पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसको ओवरलोड करना, इसमें यानी कि बहुत हैवी वेट उठाना थोड़ा डिफिकल्ट है। साथ ही साथ लाइट टू मीडियम वेट अगर आपका वर्कआउट है, इफ़ यू आर अ फीमेल और आप ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाते हो, तो दिस कुड बी अ गुड यू नो एक्सरसाइज टू ऐड इन योर वर्कआउट। बट अगर आप एक मेल हो, स्ट्रॉन्ग मसल
स्ट्रेंथ बढ़ानी है, क्वाड्स का साइज बढ़ाना है, तो प्रॉब्ली दिस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन इसको ऐड किया जा सकता है, इतनी भी बुरी नहीं है। दूसरी चीज, थोड़ा सा कभी कभी लोगों को ऐसा लग सकता है कि रेजिस्टेंस थोड़ा सामने की ओर है, क्योंकि आपको इसमें मशीन के बहुत पास खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा दूर खड़े होते हो तो रेजिस्टेंस आपको ये मिलता है, ठीक है। तो जब भी आप स्क्वाट कर रहे हो तो रेजिस्टेंस आपको पूरा एक इन लाइन मिलना चाहिए, करेक्ट, ग्रेविटी। तो ये करने के लिए आपको मशीन के बहुत पास आना पड़ेगा, तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी इट्स अ गुड एक्सरसाइज। ऑलराइट, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है लेग प्रेस। अब लेग प्रेस को रख रहा हूँ मैं चौथे रैंक पे नीचे से, और इसको दे रहा हूँ मैं 3.5 स्टार 5 में से। अब इसका रीज़न क्या है? अब आप लोग कहेंगे भाई लेग प्रेस तो बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है क्वाड्स के लिए। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बात है, लेग प्रेस जब आप लगाते हो तो ये आपको ओवरलोड, मैक्सिमम लोड लेने में हेल्प करती है, यानी कि आप बहुत भारी वजन उठा पाओगे, और मसल बिल्डिंग का सीधा सीधा रिलेशनशिप आपकी हैवी लिफ्टिंग से ही होता है। इंटेंसिटी ऑफ लोड बहुत मैटर करता है, तो इसीलिए मैं तो सारी एक्सरसाइज में आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिसमें आप हैवी उठा पाओगे उसमें आप अपने क्वाड्स को ज़्यादा डेवलप कर पाओगे या किसी भी मसल को डेवलप कर पाओगे। सो जब आप ये परफॉर्म कर रहे हो तो देखो क्या होता है, लेग का एक्सटेंशन हो रहा है, यानी कि पैर सीधा हो रहा है और ओवरलोड के साथ, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, छोटी सी प्रॉब्लम है, जब आप बहुत ही हैवी वेट उठाते हैं और रेंज ऑफ मोशन जब आपका थोड़ा सा बड़ा होता है तो आपका हिप जो है रोल करता है सीट से, यानी कि हिप्स के नीचे आते हुए ऐसे रोल होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हिप जब भी रोल होगा तो लोअर बैक नीचे से फ्लेक्स होगा, और लोअर बैक का फ्लेक्स हो रहा है यानी कि लोअर बैक इंजरी के चांसेस का बढ़ना। सो इसीलिए जब आप बहुत हैवी लगाते हो तो डोंट गो टू लो, बहुत नीचे मत जाओ जहाँ पे आपका हिप्स पैड से बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये दिक्कत काफ़ी सारे लोगों को हो सकती है जिन लोगों को लोअर बैक इशू है या फिर पोस्चर बनाने में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज उनके लिए अच्छी होगी जो स्क्वाट नहीं लगा पाते। अगर आप बारबेल स्क्वाट, हैवी स्क्वाट लगाने में आपका पोस्चर नहीं बनता, लेग्स यू नो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, पोस्चरल डिफिकल्टी है, तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज क्वाड को टारगेट करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। ऑलराइट, तो भाई इसके बाद आती है हमारी जो एक्सरसाइज वो है लेग एक्सटेंशन। अब लेग एक्सटेंशन जो है ना, इसको मैं रख रहा हूँ तीसरे रैंक पे और इसको दे रहा हूँ मैं 4 स्टार्स। अब इसका रीज़न ये है, बिकॉज जो क्वाड का फंक्शन है ना, टू एक्सटेंड योर लेग फ्रॉम दी नी जॉइंट, ये पैर को सीधा करना, ये पूरा पूरा इसी में होता है। कैसे? जब आप इस पोजिशन में बैठे हो और पैर को सीधा कर रहे हो तो दिस इज़ द लेग एक्सटेंशन मूवमेंट। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि आपके लेग्स में जो क्वाड वाला पार्ट है इसको आइसोलेट कराने में बहुत हेल्प करती है। जब आप लेग प्रेस लगा रहे हो, किसी भी तरह की स्क्वाट मूवमेंट कर रहे हो, तो लोड जो है वो हैमस्ट्रिंग पे भी जाता है, ग्लूट्स पे भी जाता है, अलग अलग मसल पे जाता है, लेकिन लेग एक्सटेंशन में आइसोलेशन प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ क्वाड पे, तो इसीलिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये नीस के लिए अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये करते हो तो आप आइसोलेट कर सकते हो अपने क्वाड्स को और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो विदाउट इंजरिंग योर सेल्फ। कैसे? आपको अगर नीज में इश्यूज का प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत नीचे तक आपको जाना है हर रेपिटेशन में, आप यहाँ तक जाइए फुल कॉन्ट्रैक्शन एंड ये एंड कम बैक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत नीचे जाओगे तो कई सारे लोगों को आपका नी बहुत स्ट्रेच होने की वजह से, फ्लेक्स होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इतना फ्लेक्स मत करो, यहीं तक आओ एंड गो बैक ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करना है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर क्वाड डेवलपमेंट। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है फ्रंट स्क्वाट्स। भाई इसको रखा है मैंने आपका दूसरे नंबर रैंक पे, ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, इसीलिए इसको दे रहा हूँ मैं 4.5 स्टार 5 में से। अब रीज़न क्या है, जब आप फ्रंट स्क्वाट लगाते हो तो देखो भाई सबके अपने अपने तरीके हैं, मैं ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। जब आप फ्रंट स्क्वाट लगाते हैं तो क्या होता है, पूरा स्क्वाटिंग वाला मोशन है लेकिन वेट जो है आपके बॉडी के सामने होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो आपका प्रेशर है वो आपके क्वाड्स में आता है। अब ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके क्वाड्स के सारे हेड्स को टारगेट करती है। देखो क्वाड जो है ना, उसके आपके 4 हेड्स होते हैं, वेस्टस मीडियालिस, वेस्टस लेटरलिस, इंटरमीडियस एंड रेक्टस फेमोरिस। तो ये चारों हेड्स को टारगेट करने के लिए फ्रंट स्क्वाट ये बहुत काम करती है। अब एक दिक्कत इसमें ये हो सकती है कि फ्रंट स्क्वाट लगाते हुए लोड जो है वो सामने की ओर होता है, जिसकी वजह से आप अननेसेसरी सामने की ओर फॉल करते हैं। जैसे जैसे आप हैवी जाओगे यूं, तो आगे की ओर फॉल करने की वजह से लोअर बैक का रोल होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए कई सारे लोगों को बैक, लोअर बैक इशू या फिर यू नो आगे फॉल होने का इशू होता है इसमें। तो
लगाओ इस एक्सरसाइज को, बहुत ही अच्छी है, बट डोंट गो टू हैवी जो आप हैंडल ना कर पाओ. स्टिक विथ अ रैप रेंज ऑफ लाइक 10-12 मैक्सिमम. इसमें 5-6 रेपिटेशन लगाने की कोशिश मत करो, बैक में इंजरी होने के चांसेस भी हो सकते हैं, बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज. ऑलराइट, सो फाइनली हम पहुंच गए हमारी नंबर वन एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्स लेग्स में, जो है बैक बारबेल स्क्वाट. अब भाई इसको यहाँ पे रखने के लिए मैं दे रहा हूँ 5 स्टार 5 में से. रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि जो बैक स्क्वाट होती है ना, ये आपको अलाउ करती है हैवीएस्ट वेट लेने के लिए, मैक्सिमम लोड. बहुत ज़्यादा हैवी इसमें आप वेट को लिफ्ट कर सकते हो, जो आपके क्वाड डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. जितना ज़्यादा आप हैवी उठाओगे, उतना ही ज़्यादा आपकी क्वाड डेवलपमेंट, लेग डेवलपमेंट होगी. कैसे लगाते हैं इसको? जब आप स्क्वाट लगाते हैं, बैक स्क्वाट, तो देखिए जो आपका वेट होता है वो आपके बैक में है, जिसकी वजह से आप ओवरलोड ज़्यादा लेने की कैपेसिटी जो है आपकी बढ़ जाती है. आप जब भी बैक स्क्वाट लगा रहे हैं तो आपके क्वाड्स के सारे हेड्स टारगेट होते हैं, साथ ही साथ इसमें हैमस्ट्रिंग टारगेट होती है और ग्लूट्स भी टारगेट होते हैं. सो बैक स्क्वाट में इतने सारे मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, क्वाड है, हैमस्ट्रिंग है, ग्लूट्स है, इसकी वजह से आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हो. दैट इज़ वाई ये कंपाउंड मूवमेंट आपको हेल्प करता है हैवी लोड लेने के लिए, और जो हैवी लोड ट्रांसफ़र हो रहा है आपके क्वाड्स में. सो जितना हैवी वेट हम उठाएंगे, उतना ज़्यादा क्वाड डेवलपमेंट आपकी इसमें होगी. प्लस ज़्यादा हैवी उठा सकते हो, लेकिन ध्यान से, जब भी आप 8 रेपिटेशन से नीचे जाते हो तो वेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और उसमें पॉस्चर का करेक्ट होना, टेक्निक का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. सो अगर पॉस्चर, टेक्निक, फॉर्म सही नहीं है तो दिक्कत हो सकती है. बट अगेन, दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर क्वाड डेवलपमेंट. जिन लोगों को ये पॉस्चर बनाने में दिक्कत होती है, आप अल्टरनेटिव लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन जैसी मूवमेंट्स कर सकते हो. बट जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई स्क्वाट करो टू गेट योर बिग क्वाड्स. ऑलराइट, सो गाइज, ये थी सारी वीडियो फॉर द क्वाड्स. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल में. सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टेक केयर. जीत सलाल साइन ऑफ.